चलिए आज हम सीख रहे हैं इसके ऊपर ये वाला डिजाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे फोटोशॉप पे। यहाँ पे देखिए 1 इंच के डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से हमने ये पहले लेना है। तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं शेप्स के अंदर कोई अगर ऐसा शेप है जिसको हम यूज करके ये ले सकते हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ऐसा शेप होगा नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से इसको कोई भी ऐसा शेप हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा जिसको यूज कर सके, तो यूज करेंगे पेन टूल। तो पेन टूल ले लेते हैं यहाँ से। तो पेन टूल पेन टूल पेन टूल ये आ गया, पेन टूल अंदर से खाली। स्टॉक पे हम एक ब्लैक कलर रख लेते हैं और उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसको लेंगे। अब देखिए एक साइड से ले रहे हैं तो दूसरे साइड थोड़ा इससे नीचे, इतना नीचे है यानी कि इतना नीचे। तो यहाँ पे आपने बस सिंपली क्या करना है, 1 इंच पे यहाँ रख लेना, बाहर रख ले भले कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर चला जाए। तो यहाँ पे क्लिक कर ले और दूसरा क्लिक जो है आपने इसके सीध में आके यहाँ पे करना है थोड़ा सा नीचे, और ये इस तरह से कर देना बनानी। इसके ऊपर दोबारा से देखते हैं स्ट्रोक 1 पिक्सल का, अच्छा इसको बढ़ा के इसको हम 2 पिक्सल का स्ट्रोक कर देते हैं। पिक्सल मतलब कितनी थिक होनी चाहिए लाइन, अच्छा टूल शायद टूल कोई दूसरा सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से हम दोबारा लेते हैं, पेन टूल नहीं था कोई और टूल था वो एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया है, क्लिक करके ये थोड़ा नीचे लिया और इसको इस तरीके से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेना है, ठीक है, या किस साइड पर रखना है इसको देख ले। तो ये देखे बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, एक साइड पर नीचे जा रहा है एक साइड ऊपर आ रहा है। तो डिस्टेंस थोड़ा सा हमने कम कर लिया है, थोड़ा नीचे लेते हैं इसको, ये ऐसे करके बनाना है सही। ये देखें सही आ रहा है, ओके। बस फिर ये करने का तो ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक करना है, फिर भले आप बाहर से इसको घुमा के यहाँ पे लाके छोड़ दें, तो ये एक शेप आपका निकल आया। बस ये एक ही शेप निकालना है, बाकी तो खुद ही निकल आएंगे। इसके बाद आपने इसी लेयर को कर देना है यहाँ से रेस्टराइज। रेस्टराइज होने के बाद कंट्रोल के साथ, अच्छा रेस्टराइज करने से पहले एक काम कर ले, इसमें कलर भर दें पहले कोई भी, और इसको फिर यहाँ से स्ट्रोक से खत्म कर दें, और यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट बटन दबा के रेस्टराइज कर नहीं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे हम पैन बकेट टूल, और बकेट टूल लेने के बाद कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे और जो कलर स्कीम हमें बनानी है यहाँ से लेंगे ऑप्शन, क्लिक करके इस पर ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखें शेप आपका निकल आया। अब सेकंड शेप इस तरह का कैसे निकलेगा, इसको कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे और उसमें थोड़ा सा कलर हमें हल्का देना है। तो यहाँ से थोड़ा हल्का कलर ले लेंगे क्लिक करके। तो किस तरह का कलर देना है, यानी कि इस तरह का कलर देना है इसमें, आई थिंक सो क्लिक करके आपको कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है कि वो इसके नीचे से नजर आएगा, तो क्लिक करके उसको क्लिक करना है, यहाँ से इसको नीचे लेकर आना है और यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे निकल आएगा, और अभी बताता हूँ उसको और मजीद क्या करना है। अब ये से निकल के आएगा तो ये थोड़ा सा इसको आपने यहाँ पे ऐसे रख के, बल्कि यहाँ पे रख लें, कंट्रोल टी दबाना है, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करना है, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लें पहले। तो यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद यहाँ से कंट्रोल टी करके ये इस तरह से एक साइड से छोटा और दूसरी साइड से इस तरह से बड़ा होगा, और नीचे कर लें इसको इस तरीके से, थोड़ा ऊपर कर लें ज़्यादा बड़ा हो गया। तो कितना फर्क आ रहा है, ओके सेट कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। इसके बाद तीसरा शेप जो निकालना है वो ज़्यादा उस तरह से जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको ये एक और एग्जाम यूज कर सकते हैं, वरना एक शेप और बना लें, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, याद रखें कि वो शेप इसके नीचे आएगा तो इसके भी नीचे रख के बनाना है इसको। पेन टूल लेना है यहाँ पे, और पेन टूल लेके आपने क्या करना है, तो ठीक है पेन टूल लेके आपने इसके यहाँ से शुरू करना है, जैसे यहाँ से शुरू कर लिया, और यहाँ से शुरू करके इसके काफी नीचे लेके जाना है, उसको यहाँ पे लेके जाना है इस तरीके, ठीक है। तो वो शेप इस तरह से निकलेगा, जब वो ऐसे निकलेगा शेप, तो फिर उसके बाद आपने वही यहाँ से घूमना है ऊपर जाके, इस तरह से घुमा फिरा के लाया के इसके ऊपर यहाँ छोड़ देना है,
और जोड़ने के बाद उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फेस के अंदर एक अलग कलर भी भर देना है। अब जो कलर होगा वो थोड़ा सा इन दोनों के बीच का कलर है, इन दोनों के बीच का कलर कौन सा हो सकता है अभी हम देख रहे थे, तो यहाँ से ये कलर देखे अभी फिलहाल हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए। अच्छा, उसके बाद हमें क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर देना है। रेस्टराइज करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं ये लेना है पैन बकेट चुन लेना है और यहाँ से क्लिक करके इन दोनों के बीच का कलर लिया तो सही, लेकिन थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा। ओके कर दो, तो ये देखिए इनके बीच का कलर ये इस पर हमने लगा दिया। अब उसके बाद एक ग्रे कलर का भी शेड निकालना है जो इस तरह से घूम कर पूरा इस तरह से जा रहा है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एक पेन टूल लेना है, नया लेयर लेना है और नीचे रखना है। अब देखिए वो कैसे आ रहा है, वो पूरा इसको घूम के ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरह से आ रहा है। अब या तो हम इस पर कोई सर्किल बना लें तो भी ये शेप निकल सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसी को बना लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हमने क्लिक किया इसके यहाँ से और इसको घुमा के यहाँ पे हम ले आए इस तरह से। थोड़ा सा जूम आउट करें पहले इसको और ये देखिए ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओहो, इसके बाद यहाँ से बाहर आए और यहाँ घुमा के फिर से हम ले गए यहाँ पे, घुमा के यहाँ ले आए और इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, फिर इस पे कलर भरना है, फिर यहाँ से इसके अंदर फिल के अंदर एक लाइट ग्रे कलर डाल देना है हल्का सा और उसको इस तरह से दिखा देना है, स्ट्रोक खत्म कर देना है। तो यहाँ से क्लिक करके हमने शेप को ले लिया और इसका स्ट्रोक यहाँ से हमने खत्म कर दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। राइट बटन दबाया, रेस्टराइज कर दिया, कंट्रोल के साथ क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब अगर कलर आपको लग रहा है सही है तो बस ठीक है, नहीं तो आप अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं फोरग्राउंड कलर के अंदर जाके, जो भी ग्रे कलर के शेड हैं वो आप यहाँ पे हल्का सा शेड इस पर ले सकते हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें हमारा जो डिज़ाइन था वो फर्स्ट वाला तो कम्प्लीट हो गया। अब ये नीचे रह गया डिज़ाइन, वो कैसे बनेगा, ये डिज़ाइन बनाना तो आसान है, हम सर्किल की शेप से बना सकते हैं। तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इस शेप को बनाने के लिए हमने यहां से क्लिक करना है सर्किल पर। तो यहां से हमने सर्किल लिया और सर्किल लेके हमने इसके ऊपर ही रख के यहां से इस तरह से बना दिया ये शेप का एक डिजाइन, ठीक है। उस पर कलर भर दिया हमने शेप पे रख के, कौन सा कलर भरना है, यही वाला कलर भरना है। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्लिक किया इसके ऊपर, ये कलर इसके अंदर भर गया। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा मार लिया है, ठीक है, तो इस तरह से नजर आ रहा है, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे दिखा दें। दूसरा इसी का कंट्रोल जे ले लें, डुप्लीकेट कर दें, वो उसके नीचे रख लें। नीचे रखने के बाद उसको डबल क्लिक करें, थोड़ा डार्क कलर ले लें, जैसे कि ये वाला कलर ले लें इसको, ओके कर दें और उसको थोड़ा सा इससे निकाल के बाहर रख दें इस तरीके से, तो वो कि इस तरह से नजर आए, जैसे कि इसको दिखा रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ है तो ऐसे करके इसको दिखा के इसको, ठीक है। तो ये काम आप इस पे इस तरीके से कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं फाइल को अपनी और यहाँ से जाके क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, और डॉक्यूमेंट्स पर जाके एप्पल आईओएस पे क्लिक करते हैं। एप्पल आईओएस पे आने के बाद पीएस फाइल्स एप्पल, और एप्पल में जाने के बाद क्लास, ये देखें इसका फ्रंट डिजाइन आपने इसका इजीली बना लिया। अब ये बीच में सर्किल वाला शेप लगाना है, तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एक सर्किल का शेप दोबारा से जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके कलर भरेंगे, ग्रे कलर का डाल देंगे कलर, उसको क्लिक करेंगे और इसके स्ट्रोक को यहाँ से हम जाके खत्म करेंगे। इसको क्लिक करके हम उठा के यहाँ से सेंटर में रखेंगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ ये लेयर सेलेक्ट करके सेंटर कर देना है, तो यहाँ से सेंटर में आने रहा। तो लेयर को मूव करते हैं, क्लिक किया मूव टूल के ऊपर। अच्छा, दोनों एक ही लेयर में बन गए इसलिए मूव नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे इसको अंडू कर लेता हूँ, अलग लेयर पे बनाना है इसको, क्लिक करके सर्कल को यहाँ से शेप लिया और यहाँ से हमने इसको बना दिया।
ठीक है, शेप पे क्लिक किया, यहाँ से एक और कलर ले लिया, क्लिक करके इसको नया कलर डाल दिया, क्लिक कर दिया, इसका स्ट्रोक खत्म कर दिया, क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक को हमने एंड कर दिया, क्लिक कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड पे एक और कलर देना है, तो इसको उठा के पहले सेंटर कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको हम एक कलर दे देते हैं सपोज कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट, और नीचे वाले पे कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते और इसको इस तरह से निकाल देते हैं बाहर की तरफ। इसके बाद क्लिक करके इसके ऊपर इसका एक कलर भर देते हैं, ये वाला कलर भर देते हैं, और इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये देखिए कलर इसके अंदर भर गया। उसके बाद थोड़ा सा इसका शेड भी देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ से ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है, तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने इसका डिस्टेंस भी बढ़ाना है और इसका स्प्रेड लेवल भी बढ़ाना है, साइज भी बढ़ाना है, ठीक है। एंगल इसका 90 का ही रखे, या आउटर ग्लो लगा दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। आउटर ग्लो में इसके ऊपर ग्रे डाल दें कलर, ठीक है, ओके कर दें। स्क्रीन मोड से नॉर्मल मोड कर दें, स्पेसिफिसिटी थोड़ी बढ़ा दें इसकी, और यहाँ से नॉइज को छोड़ के स्प्रेड बढ़ाएं इसका, और साइज भी बढ़ाएं। अब जैसे बढ़ गया तो उसके बाद क्या करें, ऑपेसिटी को कम कर दें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का शेड ऐसा निकल आएगा, सही। उसके ऊपर कोई फोटो लगानी है तो कंट्रोल ओ करके ओपन कर लें, और यहाँ से जाके जो फोटोज हैं डॉक्यूमेंट्स में जाके जहाँ भी रखे हुए हैं आपके फोटोज, उस पर लेटेस्ट पे चले जाएं। जो फोटो आपने इसके अंदर लगाना है वो फोटो आप इसके अंदर लगा लें। सपोज टू बी हम इसका लगा लेते हैं, उसको क्लिक करके यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसका फेस। फेस लेने के बाद कंट्रोल सी कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं, कंट्रोल टी कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट के साथ इसको छोटा करके इसके आगे सेट करते हैं सर्किल के आगे, तो कैसा सही रहेगा। क्लिक करेंगे इसको, अप्लाई करेंगे, राइट पर दबाएंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, ठीक है। बाकी नाम वगैरह तो आप इस पे लिख ही लेंगे अपने हिसाब से। अभी दोनों साइड्स बना के